हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका 12 अक्टूबर 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर विथ स्थित जीके एंड फैक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कल के जो भी हमारा करंट अफेयर था उसका एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि 2024 में जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है, तीन लोगों को दिया गया, डेविड को, एमएस को और आपका यंग को, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर था आपका संजीव कुमार सिन्हा। और WHO में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था, इसका राइट आंसर था भारत। हाल ही में विश्व डाक दिवस आपका मनाया गया 9 अक्टूबर को। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया, मेहर में। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको पता हो किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया, वो है अखिल भारतीय जनता पार्टी, BJP। किस केंद्रीय मंत्री ने हम सफर नीति की शुरुआत की, वो है आपके नितिन गडकरी, जो कि हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री है। नेक्स्ट है आपका, DRDO ने चौथी पीढ़ी की VSHORD वायु रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्वक परीक्षण किया, आपका राजस्थान में। नेक्स्ट आपका, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमर्जिंग चेरेपोवा वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया, इसका आंसर होगा हानले लद्दाख। 10 से 11 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान और भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करेंगे, इसका राइट आंसर होगा लाओस। ओके, चलिए अब हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड को इसके लिए आपका चुना गया है ना। अब देख लेते हैं, इसी में हम देखते हैं, आपको पता होगा कि हाल ही में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे 2024 में, वो आपकी हुए थे तमिलनाडु में। और इसमें जो टॉप पर आया था, टॉप पर जो आपका स्टेट था वो था आपका महाराष्ट्र। इसके अलावा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुए थे 2024 में, वो आपकी हुए थे असम में। और इसमें जो टॉप पर था वो था आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और फिर इसका यहाँ पे आपका गोवा में 37वें आपके नेशनल गेम्स हुए थे। और इसमें आपका जो टॉप पर था, टॉप पर जो स्टेट आया था वो था महाराष्ट्र। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका करंट अफेयर था वो हम हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं इसके कुछ फैक्ट पर। फैक्ट क्या है आपका, तो देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की 2025 की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना है। राज्य में अगले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी आयोजित किए जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वाले जो शीतकालीन खेल होंगे वो भी यहीं पर होंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर के बीच में आपके गोवा में आयोजित किए जाएंगे। शीतकालीन खेल पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। ओके, अब चलते हैं इसके और फैक्ट क्या है। अब देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में यदि हम देखते हैं, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष आपके पीटी उषा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सन 1924 में लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले क्या था लाहौर आपके इंडिया में था, अब पाकिस्तान में आयोजित पहले राष्ट्रीय खेलों को अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता है। मतलब जो फर्स्ट टाइम ये आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे, इनको पहले हम अखिल भारतीय ओलंपिक खेल बोला जाता था। लेकिन जब 1940 में बॉम्बे में जब नौवां संस्करण होगा, तो वहां पर इनका नाम चेंज करके आपका राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था, है ना। अब देखते हैं इसके बाद आप देखिए, हम देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी हमारे फैक्ट है। उत्तराखंड, आप देखिए, उत्तराखंड के CM है पुष्पल सिंह धामी, वर्तमान में राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राजधानी है देहरादून और गैंगस्टर। झील है जो उत्तराखंड में जो झील है वो आपकी सात ताल है, राकस ताल है, नैनीताल है, मारताल है, मतलब ऐसी झील जिनके लास्ट में आपका ताल लगा हुआ है, वो सब आपकी उत्तराखंड में।
नेशनल पार्क का बहुत से इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप इंपॉर्टेंट है, ये नंदा देवी ये भी आप इंपॉर्टेंट, नंदा देवी नेशनल पार्क आप उत्तराखंड में, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, गंगोत्री की राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे जो दर्रा है वो है मणा दर्रा और नीचे दर्रा, तो उन्हीं करते हैं आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया था और 38 में राष्ट्रीय खेल 25 आपको उत्तराखंड में होने वाली सके होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला उच्च न्यायाधीश है ना, छोटा क्वेश्चन है आपका। ऑपरेशन बम्बी बकेट आपका उत्तराखंड से संबंधित है और उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लाने वाला भी पहला राज्य बन गया। ओके, तो हमारे जितने भी इससे करंट अफेयर बनते हैं वो बड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिग्गज कारोबारी रतन टाटा जी का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है जो कि रतन टाटा जी को अभी नहीं दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न जो है अभी तक उनको नहीं दिया है ना, तो इसमें आपका भारत रत्न राइट आंसर। इसके बाद हम फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या है, पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रतन टाटा जी को 2008 में दिया गया था और पद्म भूषण इनको दिया गया था 2000 में जो कि तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और उद्योग रत्न महाराष्ट्र सरकार ने दिया था 2023 में, असम वैभव जो दिया गया था वो दिया गया 2021 में। इनको कुछ विदेशी पुरस्कार हैं वो दिए गए जैसे कि मानद नाइट ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 2009 में दिया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, फिर दिया गया आपका कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो फ्रांस सरकार ने दिया था 2016 में, ग्रैंड गार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो कि जापान सरकार ने दिया 2012 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मानद अधिकारी ये आपका 2023 में दिया गया ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, और इसके बाद है आपका इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रेट ऑफिसर इसको इटली सरकार दिया था 2009 में, उरुग्वे की ओरिएंटल गणराज्य का पदक जो कि उरुग्वे सरकार ने दिया था 2004। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक किस अफ्रीकी देश के दौरे पर है, तो देखिए आप देखेंगे ये जो तीनों ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं तीनों के तीनों अफ्रीकी ही देश हैं, तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो तीनों कंट्री मतलब आपका अल्जीरिया मोरिटानिया और मालावी तीनों देश की आपके बजट कटने जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मतलब बहुत सभी। अच्छा, और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त के बीच में भी आपके तीन देशों के विजिट पर गई हुई थी जिनमें आपका ईस्ट तिमोर है और नाइजीरिया है आपका सॉरी नाइजीरिया न्यूजीलैंड है आपका और थर्ड है आपका फिलीपींस। तो देखिए अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, तो देखिए राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो 13 से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति अब्देल बल जिद के निमंत्रण पर वहां दौरा करेंगे और वह वहां पर आपका इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन करेंगे, है ना। आपको पता है अल्जीरिया की जो राजधानी है वो अल्जीरियस है, मुद्रा अल्जीरिया दिनार है, राष्ट्रपति अब्देल बल जिद। ओके, अब देखते हैं मोरिटानिया पर, तो अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मोरिटानिया का दौरा करेंगे और यह यात्रा ऐसे महत्व सांपा होने वाली है जब मोरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। इसकी जो राजधानी है वो है आपका नवा कसोट और मुद्रा है मोरिटानिया अंगोला। ठीक है, राष्ट्रपति है मोहम्मद औलत गजाउली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBSAMR मतलब आई फॉर इंडिया बी फॉर ब्राजील एस फॉर मतलब साउथ अफ्रीका का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका, इसका आंसर आपका साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अब चलते हैं फैक्ट, फैक्ट है कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो अब एक्सरसाइज होने वाला है वो शुरू हो गया है साइमन टाउन में
जो कि 18 अक्टूबर तक चले, और इसमें इसमें जो भारतीय नौसेना की INS तलवार का यूज किया गया है ना। और इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचार क्षमता बढ़ाने के साथ ही आपसी सामंजस्य को मजबूत करना भी है। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड कुछ है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन, मुद्रा है आपकी दक्षिण अफ्रीकी रैंड, राष्ट्रपति है आपके सिरिल रामाफोसा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉन कॉन्ग, है ना। और इससे पहले 2023 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था आपका जॉन फासे, और हाल ही में 2024 में आपका जो इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार होता है वो दिया गया आपका जेनी एपर्न है ना। और इनको जो दिया गया था वो दिया गया था इनकी रचना केरोस्की। और इसके अलावा अरुंधति रॉय को सन 1997 में आपका बुकर प्रदा बुकर प्राइज होता है वो दिया गया था, इनकी इनकी जो रचना थी गॉड गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग स्मॉल थिंकिंग दक्षिण कोरियाई लेखिका हॉन कॉन्ग को दिया गया है। इससे पहले हम चिकित्सा का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मौत्री का चिकित्सा का दिया गया एंड्रोस और गैरी को, मौत्री का दिया हॉफील्ड एंड जेफरी को, रसल का दिया डेविड डेविस और जंपर। नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नगद पुरस्कार दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने किस देश में अपना पहला विदेशी पैसा स्थापित करने की घोषणा की, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूए, है ना। तो अब देखिए इससे यूएई से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, तो देखिए यूएई की राजधानी है आपकी अबू धाबी, मुद्रा यहाँ पे चलती है आपके संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री है यहाँ पे मोहम्मद बिन रासिद अल अल मक्तूम, और राष्ट्रपति है आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और हाल ही में आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ था आपका दुबई में, और भारत की पहली हवाई टैक्सी जो सेवा शुरू हुई है वो आपके लिए दुबई में स्टार्ट हुई। IIT दिल्ली का जो नया ब्रांच है वो भी आपका अबू धाबी में ही ओपन हुआ है, और महिला का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का वो आपका दुबई में ही हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था आपका, और पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला भी दुबई में ही रखी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने 5000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज। अब देख लेते हैं और भी जो हमें दिए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए लॉकी जो है आपकी न्यूजीलैंड के हैं, और इसके अलावा हाल ही में विराट कोहली ने आपका 27000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है सबसे तेज, और हार्दिक पांडे जो कि हमारे ऑलराउंडर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है हमारे हार्दिक पांडे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आपकी बूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 59 मैचों में 107 पारियों में 5000 रन का आंकड़ा पार किया। इंग्लिश बल्लेबाज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में बत कुम्मा त्योहार आपका मनाया गया, ये फूलों से संबंधित आपका त्योहार है, तो ये मनाया गया आपका तेलंगाना में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यदि हम ऑप्शन फर्स्ट पर देखें तो यहाँ पर आपका जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है ओणम, ओणम के लिए फेमस है। उड़ीसा आपका
वहाँ खाई के लिए फेमस है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के लिए आपका जल्लीकट्टू के लिए ये आपका फेमस है ना, जल्लीकट्टू के लिए आपका तमिलनाडु फेमस है। अब देखते हैं इस साइड में क्वेश्चन क्या है। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में एक आपदिक उत्सव है जो कि नवरात्र में 9 दिन और उससे अधिक समय तक चलता है। यह उत्सव क्षेत्र के विभिन्न शानदार फूलों के साथ मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवन में आती है। यह तेलंगाना के लोगों के सांस्कृतिक और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें गौरी देवी के रूप में महागौरी जीवन दाता का रूप शामिल है। आप देखेंगे तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री आपके रेवंत, राज्यपाल आपके विष्णु देव वर्मा है। तेलंगाना से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखते हैं तो है तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव आपका यहीं पे हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित मंदिर आपका तेलंगाना है। तेलंगाना में एक ट्री में पुरस्कार होता है जिसको हैदराबाद से रिलेटेड देखें तो भारत का पहला कृषि एक्सचेंज आपका यहीं है। देश का पहला गोल्डन एटीएम आपका यहाँ पर है। देश का पहला रूफटॉप साइकिल ट्रैक आपका यहीं पर है। रिंग्स इंडिया का उद्घाटन डॉक्टर ज्योतिरा सिंधिया ने किया था वो भी आपका यहीं पर है। देश का पहला डॉग पार्क भी आपका यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किंग ऑफ केले के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने टेनेसी आपके सदस्य से घोषणा की। तो इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी है ना। इसके इसके अलावा आपका जेनिक सिनर जो कि आपके इटली के प्लेयर है, रोहन बोपन्ना आपके हमारे इंडिया के प्लेयर है और नोवाक जोकोविच जो है आपके सर्बिया के प्लेयर है। अब चलते हैं ओपन युग के महानतम पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। स्पेन में होने वाली आगामी डेविस का फाइनल एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में उनका आखिरी प्रतियोगिता होगी। 2024 में डेविस का फाइनल में 19 से 24 नवंबर 2024 तक मेलबर्न स्पेन में होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी वेणु गोपाल इनका हाल ही में निधन हो गया था। अब देखते हैं रिजल्ट को सेट क्या है। फैक्ट आपका ये है कि भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणु गोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपने करियर में उन्होंने 50 साल से ज्यादा हार्ट सर्जरी की है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सन 1918 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब देखिए हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा देखिए कि हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट में शेयर करना है। इसका आंसर आपको हमारे साथ कमेंट में शेयर करना है। अब देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मैं जो भी आपका करंट अफेयर लेकर आता हूँ बहुत ही एक्चुअल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर आता हूँ तो आप हमारे चैनल को जरूर देखिए विजिट किया करें और अब तक आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।